भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के वफा पार्क में और आपको बता दें कि मुमरा के वफा पार्क में यहाँ पर जो FSP है ये इसमें कल रात 8 बजे के दरमियान जो है आग लग गई थी, जिसके वजह से इस पूरे इलाके की आप देखेंगे यहाँ पर जो है बिजली सप्लाई बंद हो गई थी। ये कल रात में 8 बजे के वक्त जो है आग लगी और उसके बाद से ही बिजली यहाँ पर चली गई थी, लेकिन कुछ लोग यहाँ से जो है शिकायत भी जो है टोरेंट पावर में किए, लेकिन उसके बाद जो है काम सुबह 8-9 बजे से जो है शुरू किया। आज 9 बजे के आसपास से यहाँ पर इसे दोबारा नया लगाने का ये काम शुरू किया गया और करीब 4 बजे जो है ये काम पूरा हो गया है। अब यहाँ से जो है एक बार फिर बिजली सप्लाई जो है अब की जा रही, ये बनकर तैयार हो गया है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसको बनाने में देरी हुई, स्थानीय लोग जो हैं इस पे तमाम सवाल उठा रहे हैं कि रात में 8 बजे के टाइम पर ही आग लगा था और कुछ लोग शिकायत लेकर भी टोरेंट पावर में गए थे, लेकिन वहाँ कहा गया कि अभी टीम नहीं है, सुबह को जो है टीम पहुँचेगी, उसके बाद बनाने का काम शुरू किया जाएगा। और अब 4 बजने वाले हैं और अब ऐसा बताया जा रहा है, जो टोरेंट पावर के वर्कर यहां पर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि अब जो है ये लग चुका है FSP और जो है अब बिजली सप्लाई यहां से चालू कर दी जाएगी। कुछ लोग जो है शिकायत लेकर गए थे, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अदनान शेख नाम है मेरा। अजहर भाई आप भी आइए आगे। आप लोग शिकायत लेकर गए थे रात में आग लगी थी, ये जल गया था, टोरेंट वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, फ़ोन किए थे टोरेंट वाले को लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मजबूरी में वहाँ हमको जाना पड़ा। लेकिन इस्तेफाक ये है कि टोरेंट वालों के पास टीम नहीं है काम करने के लिए, नाइट में उनका कहना था हमारे पास टीम ही नहीं है। तो अभी सुबह से 8 बजे से ये काम चालू किया गया, ये लोग आए 7 बजे, फिर मटेरियल इशू करवाए इन्होंने, 2 घंटा उनको लगा उसमें लगा, फिर 10 बजे से काम स्टार्ट हुआ है, अभी वो बोलते हैं 5 बजे तक लाइट आएगी। ऐसा है कि काम भी जो है काफ़ी बड़ा था क्योंकि उनको पूरा चेंज करना पड़ा था, शायद इस वजह से वो लोग कह रहे होंगे कि हमारे पास टीम, आपके पास टीम होना चाहिए, नाइट में भी सर्विस देने के लिए टीम होना चाहिए, आपके पास नाइट में टीम नहीं है। इतनी बड़ी टोरेंट कंपनी है जो ये दावा कर रही है कि हम मुमरा को फुल सर्विस देंगे, प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इनके पास टीम ही नहीं है तो ये काम क्या करेंगे। रात भर पब्लिक अंधेरे में थी, हाँ इनके कस्टमर केयर में पहले फ़ोन करो तो पहले ये नाम पूछते हैं, नाम पूछने के बाद ये उसी जगह से आप बात कर रहे हो कि नहीं, उसके बाद आपने बिल भरा है कि नहीं वो चेक करते हैं, उसके बाद कंप्लेन लेते हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना। इससे अच्छा तो MSC भी थी हमारी पुरानी। आपका नाम क्या है? अदनान शेख नाम है मेरा। किसी राजनीतिक पार्टी? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, थाना जिला से जनरल सेक्रेटरी हूँ। अजहर भाई आप भी आग लगने के बाद आप भी जो है जमात में थे, वहाँ से आने के बाद काफ़ी दौड़ भाग किए, उसके बाद जो है सुबह से काम शुरू हुई, ये लोग भी रात में दौड़ भाग कर रहे थे। सुबह 10 बजे काम चालू हुआ है और अभी 20 घंटा होने को आया, अभी तक लाइट सप्लाई नहीं है, 15.5 घंटे के बाद में तो काम स्टार्ट हुआ है। एक केबिन जली थी, उसके आजू बाजू में जो केबल थे वो जले थे, कोई ट्रांसफार्मर नहीं जला था, और इससे पहले भी आग लगी थी, तभी भी मैं इन लोगों को कंप्लेन किया था कि यहाँ पर ये केबिन और बॉक्स जो भी है इसको चेंज कर दो, बहुत पुराना ज़माने का है ये, और पानी आ करके बारिश में ख़राब होता था, सड़ गया था, देखिए कपाट उपाट, समझ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा ख़राबी नहीं थी जितना। अभी तो वो लोग बोल रहे हैं कि लाइट से आए, अभी 4-5 घंटे में काम हो गया, अगर ये रात में आए होते तो सुबह तक काम हो गया होता। अभी कितने इलाके में लाइट नहीं? ये पूरे वफा पार्क में जितना 10 माले के 3 टावर हैं, RST है, ये सामने जो आप देख रहे हैं वो बाजू में जिम दे रहे हैं, ये तीनों टावर है, इसकी बाजू में 7 टावर है, यानी रात 8 बजे से और अभी 4 बज गए हैं। कोई अभी भी टाइम लगेगा? हाँ वो कब लगेगा वो तो कह रहे हैं चालू करने, लेकिन अभी पूरी सप्लाई नहीं देंगे, हाँ इंस्टॉलमेंट में जाएगी ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद अली सैयद है। रात में जो भी मसला हुआ, आग लगी, उसके बाद कई लोगों को यहाँ से फ़ोन किया गया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, बड़े लोगों को, नगर सेवकों को, और टोरेंट कंपनी में बाकायदा फ़ोन किया गया, तो पहले तो टोरेंट पहले कोई आया नहीं, कोई कॉरपोरेटर यहाँ पर देखने कि यहाँ पर लोग परेशान हैं या रात भर लाइट नहीं है, कोई नहीं आया। सेकंड बात यह है कि टोरेंट कंपनी ये बोलती है कि हम लोग सुबह आएंगे 8 बजे चेक करेंगे, तो हमारा इंजीनियर जो बोलेगा उस हिसाब से काम होगा, तो ये बात हमको हजम नहीं हुई। जब आप सर्विस चार्ज 24/7 का हमसे लेते हैं, एक महीना बिजली का बिल नहीं भरने पे आप आके बिना कुछ सोचे समझे कनेक्शन काट करके चले जाते हो, लोगों के बारे में आप सोचते नहीं हो, लेकिन आप हमको अपनी मजबूरियां गिना रहे हो आज के दिन कि हमारे पास रात में काम करने के लिए टीम नहीं है,
तो यहाँ पे कैसी टोरेंट चला रहे हो? ये जो आपने आश्वासन दिया है हमको कि हम मुमरा को 24 घंटे लाइट देंगे, बिल आप अपनी मनमानी का ले रहे हो, मतलब आप सक्षम नहीं हो काम करने के लिए। तो हमको तकलीफ यही है, हम रात में टोरेंट में गए, 1 बजे से 2 बजे से ले कर 3:30-4 बजे तक के हमारे इंजीनियर से बात किए, यहाँ तक के पंचाल से ले गए यहाँ के लोकल इंजीनियर तक, मतलब करूँगा रात में कोई आया नहीं बनाने के लिए, सब लोग सुबह में आए और करीब 5-6 घंटे से काम जारी है। अभी उनका कहना है कि आधा एक घंटे में चालू हो जाएगा, बोलना तो है इनका ये कि अभी चालू हो जाएगा, 5:45 का इन्होंने टाइम दिया है और इनका मैसेज ये आता है कि 11 बजे से लाइन बंद रहेगी 6 बजे तक के, 6:30-6 बजे तक के। अरे लेकिन लाइन तो रात से बंद है ना, वो नहीं लिखे उसका क्या है जो रात भर पब्लिक बिना लाइट के रही है? अच्छा, इन्फॉर्मेशन मैसेज जो आता है टोरेंट के, वो आप वो इसी वो मैसेज क्या है वो फील्ड फोल्ड में ना आवे इसलिए देखिए टोरेंट कंपनी क्या लिखती है। देखिए नीचे वाला जो मैसेज है बेटा, यहाँ पे दिखाइए, ये नीचे वाला 11:15 सुबह 11:17:42 तक, 5 बजे तक, हाँ, और जबकि लाइट जो है वो रात में 8 बजे से गायब लगी, उसी टाइम से लाइट नहीं है। ये टोरेंट का फेलियर है, टोटल टोरेंट का फेलियर है, नहीं ये सक्षम नहीं है काम करने है या नहीं है हमको उससे मतलब नहीं है, ये आपका काम है, करे हमको सर्विस से मतलब सर्विस है, से मतलब है। ये 20-20 घंटा कोई सुनवाई नहीं, यहाँ पर पब्लिक इंसान रहते हैं। रात में तो लोग खुद बोल रहे थे इन लोगों से कि हमारे पास रात में टीम नहीं है जाने के लिए, तो बंद करो कंपनी, यहाँ से जाओ उठा के, भाई हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारा मीटर सिलो चलता है, एमएससीबी ने गवर्नमेंट के आदमी ने लगा करके दिया था, उसको तो नहीं मान्यता है आपके पास, आप तो उसको चेंज कर रहे हो, उसमें तो आप नहीं कंप्रोमाइज करते हो, किसी के बिल में FIR दर्ज कर देते हो, ले जाके बंद कर देते हो, फाइन लगाते हो, 10,000 बिल है तो उसको 25,000 भरना है और जेल भी जाना है, पुलिस चौकी में भी जाना है, सारी मुसीबतें बर्दाश्त करना है। ये रात की हमारे पास बाकायदा वीडियो है जो हम लोगों ने इंजीनियर से वहाँ पर बात की, नहीं नहीं वो तो मैंने दिया भाई, वो आपको जो है प्रोवाइड की गई है, आप वो भी दिखा सकते हो, और मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी झलक भी दिखा देता हूँ। सर्विस जो है मुमरा में पावर 6-6 घंटा चली जाती थी ना, तो भी खबर रहती थी कि अभी लाइट आएगी। यहाँ पर कोई अब कोई अधिकारी को फोन करने को तैयार नहीं है कि भाई लाइट का मसला है, ये सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहे कि हमारे पास काम करने के लिए टीम नहीं है, सिर्फ ये बात। कोई पल्ला नहीं तो ये हमारा मसला नहीं है, ये टोरेंट का मसला है भाई, तुमको टीम रखना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से कल रात में 8 बजे यहाँ पर जो है आग लगी थी, उसके बाद से ही बिजली कट गई थी, लेकिन अब जो है काम शुरू किया गया है, करीब 20 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं और यहाँ पर लाइट नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद है कि काम शुरू हुआ है और लगभग काम पूरा भी होने वाला है, तो अब जो है बिजली आ सकती है।